रहीम, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर का टेस्ट था आपका आज, ठीक है? तो मैंने कहा कि शायद आप लोग तो बताते ही नहीं है कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज चाहिए, तो खैर मैंने कुछ ये आइसोमेरिज्म वगैरह मैंने कहा एक दफ़ा फिर दोबारा रिवाइज कर दूँ। जी जहाँ तक मुझे यकीन है कि आपने इसमें मसाइल का शिकार हुआ होगा, आपको कुछ ना कुछ मसला होगा इसमें। अच्छा जी, आइसोमेरिज्म है हमारे पास। आइसोमेरिज्म मीन्स हमारे पास क्या होता है कि जिसमें ऐसा ये प्रोसेस है, ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका डिफरेंट होता है, ठीक है? अब आइसोमेरिज्म का भी आपके पास टाइप्स होती हैं बकायदा। एक आपके पास यहाँ पे जो स्टार्ट में उसने दे दिया है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। सेकंड आपके पास जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है? और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि उसकी अरेंजमेंट इन द स्पेस वो थ्री डायमेंशनल वो डिफरेंट होगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होते हैं, वो कहता है जी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं जो कि आपके पास एटम्स जो उनको ज्वाइन किए हुए हैं वो आपके पास उसमें डिफरेंस आ रहा हो सिर्फ, ठीक है? एग्जाम्पल्स उसने आगे आपके पास टाइप्स के तौर पर दी हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ये। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में अब क्या शो कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे अब इसमें क्या डिफरेंस है। पीटी प्लाटिनियम भी वही है, अमोनिया भी वही है, आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे भी सेम है लेकिन फ़र्क क्या हुआ कि ये आपके पास क्लोरीन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट के अंदर है, बीआर बाहर है, यहाँ पे बीआर अंदर है, सीएल बाहर है। तो होगा क्या कि जब आपके पास ये आप इसको किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो ब्रेक डाउन जो होगी वो आपके पास इस यहाँ से होगी, सही है? मतलब कि जो आयन बनेगा इस केस में बीआर बनेगा और इस केस में क्लोरीन बनेगा, बाकी फार्मूला सेम है, सिर्फ आयन्स बनने का जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंस आ रहा है। आगे आपके पास हाइड्रेट, हाइड्रेट में आपके पास क्या रहता है कि वाटर का हमारे पास लिंक इसमें नजर आएगा आपको। जैसे देखें जी क्लोरोक्रोमियम है, वाटर इसमें 6 है और सीएल इसमें अंदर आपके पास 3 है। अब होगा हो क्या रहा है कि अब टोटल मतलब ये कंपाउंड है। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास वाटर जो हाइड्रेट है तो जस्ट वाटर की प्रोपोर्शन हमने चेक करना है इसमें। यहाँ पे अब ये कंपाउंड है तो अगला एक इसका फॉर्म ये है जिसमें वाटर 5 अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, 1 वाटर बाहर आ गया, आगे फिर 4 वाटर अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट के अंदर है, बाकी 2 बाहर आ गए। तो कलर भी वैसे वैसे इसके डिफर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वाटर जो अटैच है उसकी प्लेसमेंट में डिफरेंस आ रहा है। लिंकेज आइसोमेरिज्म है जी। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमारे पास इसका लिंक कैसे करेंगे, आपके पास किस तरह लिंक किया हुआ है इसमें, ठीक है ना? आपके पास जो लैगेंड है वो किस तरह बॉन्ड करके बैठे हैं, ठीक है? एग्जांपल के तौर पे आपके पास है कोबाल्ट अमोनिया है, ओ एन ओ है, आपके पास सी एल टू है और यहाँ पे आप ओ एन ओ है, ये आपके पास डिफरेंट है स्ट्रक्चर ओ एन ओ का, और जो इसी का आगे एक और स्ट्रक्चर उसने बना के दिया है एन ओ टू। एन ओ टू का मतलब ये हो गया, मतलब है वहाँ पे भी आपके पास दो ही O2, मतलब लेकिन वो सेपरेट, मतलब ये जो अटैचमेंट है वो ऑक्सीजन की पहले इधर है फिर ऑक्सीजन के साथ N अटैच है। यहाँ पे जो अटैचमेंट है वो आपके पास नाइट्रो के नाइट्रोजन के इसके अमोनिया के साथ अटैचमेंट है, मतलब कोबाल्ट के साथ, फिर आपके पास आगे नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन लगी है। समझ आ रही है बात की? वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लगी है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आगे अटैच है, पीछे ऑक्सीजन का लिंक नहीं है कोबाल्ट के साथ, सही है? तो ये आपके पास लिंकेज पे आ गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आइसोमेरिज्म में भी वही है जो पहले बताया। अब इसमें जैसे देखें प्लाटिनियम है अमोनिया है, प्लाटिनियम है सी एल 6 है, ठीक है? ये फार्मूला आ गया, इसी तरह ये है फार्मूला। अब इसमें फ़र्क क्या बना कि पूरे एटम्स पूरे ही हैं लेकिन क्लोरीन आपके पास यहाँ पे अटैच है इस अमोनिया की तरफ जाके और सी एल के यहाँ पे 4 आ गए हैं, ठीक है? यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 4 रह गए। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं उसका डिफरेंस आपके पास जो है वो क्रिएट हो रहा है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि आपके पास जो पॉलीमर्स हैं वो आपके पास किस तरह बने हैं चेक करें। यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि ऐसे आइसोमेरिज्म में हमारे पास सेम रेशो होती है लेकिन डिफरेंट लाइगेंड्स अटैच होते हैं इसमें, ठीक है? जैसे चेक करें यहाँ पे आपके पास प्लाटिनियम है, वो आपके पास आगे कहता है फर्दर 4 लाइगेंड्स, मतलब 2 अमोनिया 2 क्लोरीन के साथ अटैच है। यहाँ पे प्लाटिनियम है वो भी 4
के ही साथ अटैच है, लेकिन वो सारे के सारे अमोनिया है। यहाँ पे प्लाटिनियम है, वो सारे के सारे क्लोरीन्स के साथ अटैच है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसका चार लैगर्स लगाने की जो सलाहियत है उसमें उसने यहाँ पे दो लगाए हैं, दो क्लोरीन दो अमोनिया। यहाँ पे भी लगाए चार ही हैं, लेकिन यहाँ पे वो चार अमोनिया लगाए हैं और चार उसने क्लोरीन लगाया। दिस इज योर पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमरिज्म, पोजिशन का ही फर्क होगा सिर्फ, बाकी सारा सेम होगा। क्लोरीन यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे कोई क्लोरीन मौजूद नहीं है। होगा क्या कि एक क्लोरीन यहाँ से उठ के आपके पास इधर चला गया, तो जाहिर है चार पूरे करने थे, तो यहाँ पे जो चार अमोनिया है वहाँ से एक अमोनिया निकाल के आप इधर डालेंगे, तभी चार इधर पूरे होंगे, तभी चार इधर पूरे होंगे पोजीशंस। ठीक है, ये आपकी कोऑर्डिनेशन पोजीशन का आ गया फर्क, सही हो गया।